दोस्तों आज के समय में रोमन रेंस कितने बड़े सुपरस्टार हैं ये तो सारे रेसलिंग फैन जानते ही हैं। आज उनकी गिनती हाईएस्ट पेड रेसलर में की जाती है क्योंकि उन्होंने अब तक WWE में अपना बेस्ट दिया है। रोमन अनोया फैमिली से आते हैं जिस फैमिली का रेसलिंग में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। जिस परिवार से बड़े बड़े रेसलर आए हैं उन्हीं में से एक रहे थे दी रॉक जो पहले के एरा के टॉप सुपरस्टार हुआ करते थे। जिस तरह आज रोमन रेंस हैं दी रॉक हॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा है जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मिलियन ऑफ डॉलर से बिलियन ऑफ डॉलर तक का बिजनेस करती हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में रोमन रेंस के फ्यूचर करियर की बात करने वाला हूं। आखिर कैसे रोमन और दी रॉक का करियर मैच करता है और कैसे रोमन हो सकते हैं दी रॉक की तरह अगले बड़े हॉलीवुड स्टार। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पहले हम बात करते हैं दी रॉक की। जब दी रॉक ना रेसलर थे ना एक्टर, तब वो थे एक फुटबॉलर जो NFL में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने CFL कैनेडियन फुटबॉल लीग की तरफ से 1991 से 1995 तक खेला, पर जो वो NFL का सपना लेकर इसमें आगे बढ़ रहे थे उनका यह सपना कभी पूरा ही नहीं हो सका क्योंकि 1995 में NFL ड्राफ्ट के टाइम उनको अनड्राफ्ट करके CFL का ही हिस्सा रहने को बोलकर छोड़ दिया गया, जहां उनका NFL का सपना एक सपना ही बनकर रह गया। फिर उन्होंने 1996 से अपने पिता से रेसलिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और 1996 में ही उनको WWF का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना धाक WWF में जमा लिया और दी रॉक 1998 में एटीट्यूड एरा के टॉप सुपरस्टार में एक चुने गए। इनके मैच से कंपनी को उस टाइम पर मिलियन ऑफ डॉलर का बेनिफिट होने लगा था और फैन फेवरेट सुपरस्टार बनकर उभरे। इनके नाम WWE के कई रिकॉर्ड शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने 17 अलग अलग चैंपियनशिप जीतकर बनाया है जो कि WWE में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप जीतने वाले रेसलर के टॉप 10 लिस्ट में ये आते हैं। इन्होंने 2004 में WWE से लेफ्ट ले लिया क्योंकि ये WWE को समय नहीं दे पा रहे थे अपने बिजी हॉलीवुड शेड्यूल की वजह से, जिसके बाद इन्होंने हॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी दी और ये आज के समय में टॉप सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के लिस्ट में तो टॉप पर है ही। साथ ही दी रॉक सबसे हाईएस्ट पेड हॉलीवुड एक्टर में नंबर 1 पोजीशन पर भी आ गए हैं। दी रॉक का करियर और स्टार से काफ़ी शानदार और सबसे अलग रहा है जिन्होंने अपने करोड़ों फैन बनाए। वहीं अब हम बात करते हैं आखिर किस तरह रोमन रेंस भी बन सकते हैं दी रॉक की ही तरह एक बड़े हॉलीवुड स्टार। जैसा कि रोमन रेंस का भी करियर एक फुटबॉलर के तौर पर ही शुरू हुआ था, वो अपने बीमारी ल्यूकीमिया के चलते इसमें कंटिन्यू नहीं रह पाए क्योंकि मेडिकल चेकअप में उनको ल्यूकीमिया से डायग्नोस किया गया और उनका फुटबॉल करियर वहीं ख़त्म हो गया। फुटबॉल करियर ख़त्म होने के बाद रोमन उतरे रेसलिंग में और उन्होंने FCW जो कि WWE की डेवलपमेंट टेरिटरी थी वहां से इन्होंने शुरुआत की। दो साल बाद 19 अगस्त 2010 में वो NXT में आ गए। वहां भी रोमन अपने ताकत से दूसरे रेसलर पर भारी पड़े। फिर साल 2012 के सर्वाइवर सीरीज में शील्ड समूह में रहकर उन्होंने अपना डेब्यू किया और कई बड़े बड़े रेसलर पर भारी पड़े। इनका जब WWE में सिंगल रन स्टार्ट हुआ तो उसमें भी रोमन किसी से पीछे नहीं रहे और धीरे धीरे WWE के सभी चैंपियनशिप को जीतकर वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए। फिर दी रॉक ने साल 2018 में उनको अपने मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस ऑप्स एंड सो में एक रोल के लिए साइन किया। रोमन रेंस का ये रोल भले मूवी में थोड़ा छोटा था पर इस रोल के जरिए रोमन रेंस का हॉलीवुड में डेब्यू हो गया। रोमन रेंस का भी करियर दी रॉक के करियर की ही तरह आगे बढ़ रहा है। दी रॉक ने पहले छोटे छोटे रोल से शुरुआत की और आज दी रॉक हॉलीवुड के सबसे बड़े नाम बन गए हैं। उसी प्रकार रोमन का दी रॉक जैसे स्टार के मूवी में छोटा सा रोल भी उनको हॉलीवुड में बहुत आगे ले जाएगा। बात करें रोमन रेंस की तो दी रॉक उनको आगे हॉलीवुड के मूवी के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में रोमन का पूरा सपोर्ट करेंगे। आप सभी को क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करने के साथ हमारे चैनल रेसलिंग बॉस को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए।